हाय, मैं हूं देव एंड यू आर वॉचिंग बॉलीवुड क्लोज अप। द मंथ ऑफ जुलाई मार्क्स द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ हरी भाई जरीवाला, एन एक्टर्स एक्टर एंड इंस्टीट्यूशन, जिन्हें हम संजीव कुमार के नाम से जानते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा संजीव कुमार साहब से जुड़े हुए 5 किस्से। द मेंटर। एक स्टार बनने के बाद भी संजीव कुमार साहब अपनी स्ट्रगल के दिनों को नहीं भूले। ये लेट 60s की बात है। पुणे के फिल्म इंस्टीट्यूट से एक लड़का, एक न्यूकमर, मुंबई आया काम की तलाश में। पुणे में उन्होंने एक फिल्म में काम किया था जिसका नाम था एंड अनटू द वॉइड। वो इस फिल्म की रील लेके प्रोड्यूसर्स से मिलने जाते थे ताकि प्रोड्यूसर्स वो फिल्म देखे और उन्हें शायद रोल मिले। जब संजीव कुमार साहब को इस लड़के के बारे में पता चला तो संजीव कुमार साहब ने उसे बुलाया और कहा कि मैं तुम्हारी फिल्म देखना चाहता हूँ। संजीव कुमार साहब ने वो फिल्म देखी और उन्हें वो फिल्म बहुत अच्छी लगी और उन्होंने उस लड़के से कहा कि आज मैं आपका फैन बन गया। उसी दौरान उस दौर की सुपरस्टार मुमताज जी ने भी वो फिल्म देखी। अ फ्यू डेज लेटर दैट न्यू कमर वॉज साइंड इन अ फिल्म कॉल्ड खिलौना, जिसके लीड एक्टर्स थे संजीव कुमार साहब और मुमताज जी। उस न्यू कमर का नाम था शत्रुघ्न सिन्हा। द रेस्ट इज हिस्ट्री, अ मेमोरेबल एसोसिएशन। संजीव कुमार साहब हैड एन एब्सोल्युटली ग्लोरियस एसोसिएशन विद द ग्रेट गुलजार। दोनों ने कुछ बेहतरीन फिल्में बनाई जैसे कि कोशिश, आंधी, मौसम, नमकीन, अंगूर एंड परिचय, जिसमें संजीव कुमार साहब का एक छोटा रोल था। यह कहानी है फिल्म परिचय की। बीती ना बिताई रहना के गाने की शूटिंग चल रही थी और एक सीक्वेंस था जिसमें संजीव कुमार साहब को सीढ़ियां उतरनी थी एंड ही हैड टू कैच दैट सॉन्ग इन मिड सेंटेंस एंड स्टार्ट लिप सिंकिंग। ही डिड इट सो ब्रिलियंटली दैट गुलजार साहब वॉज ओवरवेल्म्ड। गुलजार साहब उनके पास गए और कहा कि तुमने ये जो शॉट दिया है वो इतना बेहतरीन दिया है कि आज तुम जो कुछ मांगोगे वो मैं तुम्हें दूंगा। संजीव कुमार साहब ने झट से बोल दिया, ठीक है तो फिर 5 छोड़ दो। संजीव कुमार डिड नॉट अप्रिशिएट गुलजार साहब्स हैबिट ऑफ चूइंग पान। उस दिन गुलजार साहब ने पान खाना छोड़ दिया। नवरस। 1974 में संजीव कुमार साहब ने एक लैंडमार्क फिल्म में काम किया, नया दिन नई रात। इस फिल्म की खास बात यह थी कि इसमें संजीव कुमार साहब ने 9 रोल किए थे। ये 9 रोल नव रसों पर आधारित थे, श्रृंगार, हास्य, रौद्र, करुणा, बिभत्स, भयानक, वीर, अद्भुत और शांत। ही प्लेड अ वैरायटी ऑफ कैरेक्टर्स, आनंद, स्वामी रहस्य आनंद, मिस्टर सारंग, फूल कुमार और कई और। ये रोल पहले दिलीप कुमार साहब को ऑफर किया गया था बट अल्टीमेटली इट केम टू संजीव कुमार। एवरी कैरेक्टर दैट संजीव कुमार साहब प्लेड इन दैट फिल्म वॉज यूनिक, फ्रॉम द गेटअप टू द बॉडी लैंग्वेज टू द डायलॉग डिलीवरी। ट्रूली अ लेजेंड। वॉट माइट हैव बीन। अपनी आलीशान फिल्म मुगले आजम की सक्सेस के बाद के आसिफ साहब ने अपनी अगली फिल्म पे काम शुरू किया, लव एंड गॉड। यह फिल्म लैला मजनू की कहानी पर आधारित थी जिसमें संजीव कुमार साहब प्लेड मजनू एंड निम्मी जी प्लेड लैला। लेकिन शूटिंग शुरू होने के कुछ दिन बाद गुरुदत्त साहब की डेथ हो गई और फिल्म बंद पड़ गई। उसी दौरान के आसिफ साहब एक दूसरी फिल्म भी बना रहे थे, सस्ता खून महंगा पानी, जिसमें संजीव कुमार साहब, जो उस वक्त एक न्यूकमर थे, वो नेगेटिव रोल कर रहे थे। बट के आसिफ वॉज हाईली इंप्रेस्ड विद संजीव कुमार साहब टैलेंट और उन्होंने सोचा कि मैं लव एंड गॉड रिवाइव करूंगा विद संजीव कुमार प्लेइंग मजनू। फिल्म को रिवाइव कर दिया गया, शूटिंग शुरू हो गई, बट अनफॉर्चुनेटली के आसिफ साहब पास्ड अवे इन 1971। 1976 में दोबारा इस फिल्म को रिवाइव करने की कोशिश की गई बट दैट टाइम संजीव कुमार साहब फेल इन। 1985 देयर वॉज अनदर अटेम्प्ट मेड टू रिवाइव द फिल्म, लेकिन नवंबर 1985 में संजीव कुमार साहब हम सबको छोड़कर चले गए। लव एंड गॉड वॉज नॉट मेंट टू बी। संजीव कुमार साहब के आसिफ साहब को बहुत मानते थे। इनफैक्ट उनके घर में के आसिफ साहब की तस्वीर थी एंड ही वुड सीक के आसिफ साहब ब्लेसिंग्स एवरी डे। एक और बड़ी फिल्म
जिसमें संजीव कुमार साहब काम करना चाहते थे लेकिन उनकी बीमारी की वजह से वो काम नहीं कर पाए, वो थी शान। संजीव कुमार वॉज साइंड ऑन फॉर द रोल ऑफ शाकाल द विलन, बट ही कुड नॉट डू इट बिकॉज ही फेल इल। को स्टार मिड 1970s में एक ऐसा वक्त था जब संजीव कुमार साहब और शर्मिला टैगोर जी एक साथ मौसम और फरार इन दोनों फिल्मों में काम कर रहे थे। शर्मिला जी वुड रीच द सेट्स ऑन टाइम एंड बी रेडी, बट संजीव कुमार साहब वुड टेक हिज ओन टाइम टू रीच द सेट्स। एक दिन शर्मिला जी को बहुत गुस्सा आया एंड शी रिफ्यूज्ड टू टॉक टू संजीव कुमार ऑफ द सेट्स। ये सिलसिला कुछ दिनों तक चला। उसके बाद शर्मिला जी ने संजीव कुमार साहब की आंधी फिल्म देखी एंड शी वॉज ओवरवेलम्ड, शी वॉज फ्लोर्ड बाय हिज परफॉर्मेंस। दूसरे दिन जब वो संजीव कुमार साहब से सेट्स पे मिली तो उन्होंने उनसे कहा कि यू आर अ वेरी इरिटेटिंग पर्सन, यू कम लेट ऑन द सेट्स, लेकिन मुझे एक रिक्वेस्ट करनी है आपसे कि अगर आप लेट आने वाले हो तो प्लीज़ मुझे बता दीजिए एडवांस में ताकि देन आई कैन प्लान माई स्केड्यूल अकॉर्डिंगली। उसके बाद संजीव कुमार साहब और शर्मिला जी के बीच दोस्ती काफ़ी गहरी हो गई। सो दिस वॉज माई ट्रिब्यूट टू एन इंस्टीट्यूशन, द एक्टर्स एक्टर संजीव कुमार। जब तक ये फिल्म इंडस्ट्री रहेगी, जब तक फिल्में बनेंगी, ही विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड फॉर हिज आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस। टिल वी मीट अगेन, दिस इज देव साइनिंग ऑफ फ्रॉम बॉलीवुड। क्लोज अप, गुड बाय।